हेलो एवरी वन नाव वी कंसिडर दिस नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज़ पावर वर्क एनर्जी पावर का ये थर्ड पार्ट है जो पावर है और ये लास्ट है पावर को हम लोग पीस से इंडिकेट करते हैं और ये बेसिकली एनर्जी को ही वर्क को ही रिप्रजेंट करता है बट ओवर द टाइम सो इसमें टाइम डायमेंशन भी इन्वॉल्व हो जाता है एज पर एज फार एज द डेफिनेशन इज़ कंसर्न तो पावर को हम लोग दो तरह से डिफाइन करेंगे एक तो एवरेज पावर सो वेन एवर वी आर वर्किंग फॉर द एवरेज पावर सो so, उसको हम लिखेंगे पी एवरेज एंड दैट इज डिफाइंड एज वर्क डन टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम दिस हाउ वी डिफाइन द एवरेज पावर दैट मीन्स जिस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है उस फोर्स की पावर यही है तो किसी फोर्स uh, से कितना पावर डिलीवर हो रहा है उस पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपको उस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना होगा फिर आपको देखना होगा कि वो वर्क डन कितने टाइम पे हुआ है दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा तो जिससे इससे जो द वैल्यू इज गोइंग टू कम दैट विल बिकम द एवरेज पावर और यहाँ से इसका यूनिट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो अगर हम पावर के यूनिट के बारे में बात करें सो व्हाट द यूनिट इज गोइंग टू बी अब बोल सकते हो जूल पर सेकेंड क्योंकि वर्क डन जूल होता है और न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो वन जूल पर सेकेंड को हम एक नए नाम से बुलाते हैं दैट्स कॉल्ड वन वैट तो इसको डब्लू से इंडिकेट करेंगे W का मतलब होगा वैट प्रॉपरली लिख देते हैं ये डबल टी है सो so, uh, जब पॉपुलरली हम वैट यूज़ करेंगे या फिर जूल पर सेकेंड भी यूज कर सकते हैं जैसे यूनिट और किस तरह का क्वांटिटी है वर्क डन जिस तरह से वर्क डन क्वांटिटी उसी तरह से पावर भी क्वांटिटी है तो ये भी स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रहता है तो इनको भी याद रखना है स्केलर क्वांटिटी ओके और क्यों स्केलर है वो आप यहाँ पे देख कर बता सकते हो क्योंकि एवरेज की वैल्यू जो पावर की डेफिनेशन है वो वर्क डन है जो कि स्केलर है टाइम भी स्केलर है स्केलर बाई स्केलर है स्केलर नंबर होता है सो दैट वॉज द डेफिनेशन फॉर एवरेज पावर लेट्स कम टू इंस्टेंटेनस पावर जब कभी एवरेज आता है तो फिर इंस्टेंटेनस के बारे में भी बात की जा सकती है सो इंस्टेंटेनस पावर जिसको हम लोग पी से लिखते हैं इसको डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन ओवर द टाइम सो so, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन दैट मीन्स डी डब्ल्यू वाई डी टी अगर हम लोग डायरेक्टली लिखें और इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एवरेज इज चेंज इन टाइम चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम और टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम जबकि इंस्टेंटेनस होता है डी अपॉन डी टी ये सारी डेफिनेशन एक्जैक्टली वही चले जिस तरह से विलासिटी और uh, मैं के, विलॉसिटी केस में आपने देखा था स्पीड के केस में देखा था एक्सिलेशन केस में देखा था सो so पावर को अगर आपको डिफाइन करना हो कभी तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड पावर एंड दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर और जब हम पावर की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस उसका मीनिंग तब होगा जब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछा जाएगा और जब कभी ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर पूछा जाएगा तो उसका मतलब एवरेज पावर होता है सो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दे आर हैविंग द सेम वैल्यू एज वी हैव अंडरस्टेंड अर्लियर एज वेल ना no, जहाँ तक एवरेज की बात है तो इस पर कुछ खास करने की जरूरत नहीं है आपको केवल वर्क डन कैलकुलेट करना है टाइम आपको पता होगा दोनों को डिवाइड करना होगा इंस्टेंटेनस पावर को हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है तो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं इस पी को आगे ले जा सकते हैं तो डी डब्ल्यू को हम जानते हैं जिस फोर्स का कैलकुलेट करना पावर वो फोर्स डॉट डी आर लिखा जा सकता है अपॉन डी टी आप चाहो तो इस डी टी को डी आर के साथ एसोसिएट कर दो नेक्स्ट लाइन पर कर देते हैं तो ये बनेगा एफ डॉट डी आर बाई डी टी आर इज़ अ पोजिशन और डिसप्लेसमेंट और ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट वॉट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट इज़ विलॉसिटी तो आप कहोगे कि फोर्स डॉट विलसिटी इज बेसिकली द इंस्टेंटेनस पावर तो किसी भी इंस्टेंट पर आपको अगर पावर कैलकुलेट करनी है किसी भी फोर्स का तो वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उस समय उस ऑब्जेक्ट की विलासिटी का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे जो भी क्वांटिटी बन के आएगी वो आपका इंस्टेंटेनस पावर के बराबर हो जाएगी राइट सो दिस हो आप इंस्टेटेंस पावर यूज़ कर सकते हो तो इंस्टेटेंस पावर के लिए दो फार्मूला है डी डब्ल्यू वाई डी टी कई बार आपको वर्क भी फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा अगर ये टाइम का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर देंगे पावर डायरेक्टली निकलेगी और अगर आपको ये टाइम का फंक्शन नहीं दिया गया है तो फिर वेलोसिटी के साथ रिलेट करेगा तो वेलोसिटी के साथ रिलेट करेगा तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे और एवरेज केस के लिए एज आई टोल्ड यू द सेम थिंग वी नीड टू फॉलो ओके ओके मोर ओवर ये जो रिलेशन दिया गया लास्ट में इसका जो एक डायरेक्ट एप्लीकेशन रहता है वो ये है कि अगर कभी आपको फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर बताया जाए जिस फोर्स का पावर कैलकुलेट करना है वो अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उस केस में आप पाओगे पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो इसलिए पावर की वैल्यू जीरो हो जाएगी दैट मीन्स वेनेवर अ फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी दैट विल डिलीवर नो पावर उससे कोई पावर प्रोड्यूस नहीं होती है छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फोर्स देगा वेलोसिटी देगा और हो सकता है वो परपेंडिकुलर हो और अगर आपने परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब वो पावर जीरो डिलीवर करेगा कोई पावर डिलीवर नहीं करने वाला है राइट सो ओवरऑल पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स या वेलोसिटी के बारे में जानना होगा जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हो या फिर वर्क डन के बारे में जानना होगा जो कि ऑलरेडी जान चुके हो द ओनली इंट्रोडक्शन इज ऑफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स और उस चैप्टर में टाइम भी इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं और अपने को एवरेज और इंस्टीटिनस दोनों वैल्यूज निकालने में हेल्प हो जाती है कई बार आपको डिफ्रेंशिएशन ऑपरेशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो ओके सो अब हम लोग एग्ज़ाम्पल कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं सो सिम्पल एग्ज़ाम्पल इज़ दिस अ पार्टिकल ऑफ़ मास है रिलीज फ्रॉम हाइट एच एम वी नीड टू फाइंड द पावर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी टिल द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं एक तो पावर कैलकुलेट करनी है किसकी कैलकुलेट करनी, करनी है ग्रेविटी की कैलकुलेट करनी है टिल द हिट्स ग्राउंड इसका लोग कुछ टाइम लग रहा है इसका लोग एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है और इन्फॉर्मेशन मास और हाइट के बारे में आपको गिवेन है सो so, इस तरह से क्वेश्चन से हम इफॉर्मेशन को एक्सट्रेक्ट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं सो लेट्स से कि ये पार्टिकल है जो आपको बोला जा रहा है एम मास का है कैपिटल एम और ये एच हाइट से ड्रॉप किया गया है जब यहाँ पर आएगा तो टी इक्ल टू ज़ीरो पर अगर इसने ड्रॉप आपने ड्रॉप किया तो कितना टाइम लगेगा यहाँ तक आने का वो टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहला तो ये लेट्स से वो टी नॉट टाइम लगता है और एवरेज पावर की डेफिनेशन एवरेज पावर क्यों कैलकुलेट करना वो भी आपको समझ में आ गया एवरेज पावर की डेफिनेशन क्या होती है पी एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई टाइम ना जब पार्टिकल uh, इस लोकेशन से लेट्स कॉल इट ए लोकेशन से बी लोकेशन पर आता है तो ए से बी पे कितना वर्कडाउन आया होगा सो फ्रॉम ए टू बी इस प्रोसेस में जो वर्कडाउन लगा है तो वर्क डाउन किसका निकालेंगे ग्रेविटी का निकालेंगे क्योंकि पावर आपको किसकी निकालनी ग्रेविटी की टाइम टी नॉट सो ग्रेविटी का वर्कडाउन कितना हो जाएगा आप बोलोगे एम इंटू जी ग्रेविटी भी डाउन साइड है डिसप्लेसमेंट भी डाउन साइड है तो पॉजिटिव आएगा तो एम जी एच हो जाएगा फिर आप बोलेंगे कि टाइम कैलकुलेट करना है तो कानामेटिक्स यूज़ कर लीजिए कि कितना टाइम लगेगा या फिर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद हो तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो सो so, इस इस प्रोसेस के लिए अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो हम थर्ड सेकेंड इक्वेशन लगा लेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ जी इंटू टी नॉट स्क्वायर सो यहाँ से आपको टी नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी टी नॉट इज़ अंडर रूट टू एच बाई जी Isn't it? Now, आपको दोनों नंबर मिल गए तो कैन वी से एवरेज पावर की जो वैल्यू आने वाली है दैट विल बिकम कैपिटल एम जी कैपिटल एच डिवाइड बाई अंडर रूट टू एच बाई जी अब इसको आप सेटल कर लीजिए वट एवर इट मैक्स दैट्स योर आंसर सो क्या ये आ जाएगा एम जी अपसाइड चला जाएगा और एक तो जी रहने वाला है एक एच आपसे कैंसल आउट हो जाएगा तो हाउ यू कैन राइट इट एस इज इट गोइंग टू बी रूट जी

अपने इस तरह से पाइप लगा रखा है जो कि वाटर को लिफ्ट करता है लेट से यहाँ कहीं वाटर है इसको आपको लिफ्ट करना है आपको कितने हाइट तक वाटर लिफ्ट करना है वो देखना होगा और फिर ये वाटर को लिफ्ट कराने के लिए आपको यहाँ पे एक डिवाइस लगानी होती है जिसको मोटर कहते हैं तो यहाँ पर एक मोटर लगाएगा ये मोटर इसको पंप करेगा पंप करके ये लिक्विड बाहर आएगा सो लिक्विड इट विल बी राइजिंग लाइक दिस एंड कमिंग आउट सो दैट इज़ योर मोटर सो बेसिकली मोटर इज डूइंग सम वर्क सो ये मोटर इज़ प्रोवाइडिंग सम पावर उसकी वजह से लिक्विड बाहर आ रहा है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो जो लिक्विड बाहर आ रहा है इसका मतलब कुछ मास ऊपर मूव कर रहा है मास ऊपर जा रहा है जब मास ऊपर जाता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ता है लिफ्ट से वी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है और कितने हाइट से लिफ्ट हो रहा है ये एच हाइट से लिफ्ट हो रहा है और या एच हाइट तक लिफ्ट हो रहा है ऐसा आप बोल सकते हो सो so, uh, इसके लिए क्या रूल बनेगा अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो हम बोलेंगे पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी ठीक दिस इज़ हाउ सो उसके लिए जो मोटर का वर्क डन होगा वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा और मोटर की पावर आपको यहाँ पे मिल जाएगी अच्छा मोटर जो वर्क करेगा वो किसके अगेंस्ट करेगा ग्रेविटी के अगेंस्ट करेगा तो वर्क डन बाय मोटर इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द ग्रेविटी और ग्रेविटी का वर्क डन आएगा निगेटिव उसी को काउंटर करने के लिए मोटर को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो वर्क डन आ रहा है वो बेसिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटी के बराबर आ रहा है और माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये बनेगा माइनस एम जी एच सो ये मिलकर के बेसिकली एम जी एच हो जाएगा तो पॉइंट है इसकी मोटर को जो वर्क करना पड़ रहा है वो एम जी एच के बराबर वर्क करना पड़ रहा है अच्छा एम यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है इट्स नॉट लाइक अ पार्टिकल कि एक पार्टिकल एम मास का था वहाँ पर ले गई बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन है जिसको वाटर बोलते हैं तो जब हम पावर कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी राइट लाइक दिस कि ये बनेगा डी अपॉन डी टी डी अपॉन डिटी ऑफ एम जी एच जनरली uh, क्या होगा जब हम मोटर अप्लाई करते हैं तो एच की वैल्यू फिक्स रहती है दैट मीन्स वी हैव सेटेड कि कितना पाइप है और कितना हाइट तक ले जाना है तो एच इज़ अ कॉन्स्टेंट जी इज़ अ कॉन्स्टेंट तो पावर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी डी एम बाई डी टी मास वेरी करेगा और जी वही रहेगा हाइट भी वही रहेगा ये नंबर फिक्स रहते हैं नो अब आपको डी एम बाई डी टी जानना होगा क्या है डी एम बाई डी टी इज द रेट एट विच द मास इज मूविंग राइट तो इसको हम बोलते हैं ये मास फ्लो रेट है डी एम बाई डी टी डी एम बाई डी टी इज मास फ़्लो रेट किस रेट से वाटर का मास फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू या तो आपको गिवन होगी या आपसे पूछी जाएगी डिपेंड अपॉन कि और क्या पैरामीटर्स आपको गिवन है ना कभी कई बार ये मास फ़्लो रेट आएगा तो इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि अपने पास एक रिलेशन होता है एम की वैल्यू मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जैसा लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अच्छा वाटर को हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी है वो फिक्स रहती है इसका मतलब है वाटर को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं तो रो कॉन्स्टेंट जैसा काम करेगा यहाँ पर रो क्या है रो डेंसिटी है और ये जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है ये दो पॉइंट्स आपको ख्याल रखना है अच्छा डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो वॉल्यूम के बारे में पता चल जाएगा तो फिर ये डी एम बाई को हम लोग चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी ऑफ डेंसिटी इन वॉल्यूम डेंसिटी कॉन्सटेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगी ये डी वी बाई बनेगा राइट डेंसिटी को कई बार आप डी से भी लिखते हो यहाँ पर रो टम यूज़ किया जा रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है अच्छा वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ वगैरह लिखते हैं सो दिस कुड बी रिटेन एज रो इनटू नो ये जो पाइप है पाइप का एरिया आपको दिया गया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट्स उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है राइट right? अगर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप है तो जो डी वी बाई डी टी होगा डी वॉल्यूम बाई डी टी उसको हम ऐसा लिख सकते हैं डी एरिया इंटू एक्स मान लीजिए एक्स लेंथ तक वो चलता है सो एरिया कांस्टेंट होने की वजह से ये डी एक्स बाई डी बनता है और डी एक्स बाई डी टी होती है तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जिसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहेंगे वो ए इंटू के बराबर होता है दैट मीन्स एरिया इंटू वालासिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है सो so, अगर आपको ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप इसको लिखोगे ए इंटू वी वी फॉर वेलोसिटी सो मास फ्लो रेट इज बेसिकली डी एम बाई डी टी अगर कभी जरूरत पड़ती है डेंसिटी के डब में लिखना तो हम इस तरह से लिख सकते हैं वी फॉर विलोसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज कमिंग आउटसाइड और कैपिटल वी का मतलब था वॉल्यूम तो दूसरा पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी वी कैपिटल वी वाई डी टी इसको बोलेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट वॉल्यूम फ्लो रेट और कभी भी वॉल्यूम फ्लो रेट लिखना होगा उस लिक्विड का जो इनकम्प्रेसिबल uh, है तो उसकी वैल्यू आती है डी वी वाई डी टी की वैल्यू भी आपको बता दी गई है इसको भी याद रख सकते हो एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू विलासिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू विलासिटी सो दिस हाउ दिस टू टर्म्स आर बीइंग यूज्ड और अगर इस डी वी वाई डी टी को वॉल्यूम्स इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास फ्लो रेट बन जाता है एनी वे पॉइंट है इसकी मास फ्लो रेट के बारे में कोई बातें होंगी तो फिर इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो और ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ख़ास इंपॉर्टेंस ले लेते ले ले हैं अच्छा डी एम बाई मास फ्लो रेट है या तो दिया जाएगा या फिर कैलकुलेट कर लेंगे अगर नहीं भी दिया गया है तो फिर डेंसिटी देगा पाइप का एरिया देगा तो वहाँ से विलोसिटी के टम में भी रिलेट कर सकते हैं इसको तो विलोसिटी के में इसको रिलेट करके बता देते हैं तो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट दी पावर प्रोड्यूस बाय दी मोटर और uh, अगर आपको डी एम बाई कैलकुलेट करना है तो फिर बाकी सारे नंबर देगा वहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो ओके okay? इस पॉइंट पर बेस्ड एक एग्ज़ाम्पल uh, कर लेते हैं न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल जो जो आपको इसको यूज करने में हेल्पफुल रहेगा सो लेट्स सी दैट सो लेट्स सी दिस एग्जांपल इट इट्स अ मोटर पंप्स वाटर अप फ्रॉम आर डेप्थ ऑफ 20 मीटर द मास फ्लो रेट इज गिवन टू अस इन प्रॉपर यूनिट वी नीड टू फाइंड द पावर सो यू कैन पॉज एंड सॉल्व इज गोइंग टू बी डायरेक्ट सो पावर प्रोड्यूस्ड इज गोइंग टू बी अगेंस्ट द ग्रेविटी दैट इज गोइं टू बी डी एम बाई रिटी द रेट ऑफ मास फ्लो इन टू जी इं हाइट now we need to find the power itself so dm by DT is 2 kg g is 10 height is 20 so that will be 20 into 20 that's 400 watt or joule per second that will become your answer isn't it simple so uh, if you can find the uh, I, uh, if you can identify all the given quantities then you can easily write what the, uh, the power delivered by the motor is this many uh, joule per second or or watt is the correct answer okay

सॉरी पावर इज अ कांस्टेंट सो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है पी इज पी इज कांस्टेंट वन पॉइंट और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है लिट्स अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एस दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर एन देन वॉट वी नीड टू डू वी नीड टू फाइंड दिस एन वैल्यू दस अव इट इज फाइंड एन सो so, किस तरह से सोल्यूशन जाने वाला है तो अब बोलोगे पावर जो होता है पावर को हम लिख सकते हैं जब पावर जब हमको प्रोपोर्शनलिटी निकालनी होती है तो फिर हम रिलेट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हटा देंगे और कांस्टेंट को हटा सकते हैं तो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू टू इनटू वेलोसिटी और मास कॉन्सटेंट है एक्सेलेशन को लिखेंगे वी डिवाइड बाई टी और ये भी वी हो जाएगा तो वो वी स्क्वायर हो गया अब वी को आप चाहो तो लिख सकते हो एक्स बाई टी तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और ये टी क्यूब हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा इसकी वैल्यू कितना बोल रहा है इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट बोल रहा है तो यहाँ से आप बोलोगे एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस्ट पावर थ्री बाई टू तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री बाई टू थ्री बाई टू आपका आंसर हो जाएगा सो दैट इज फॉर दिस केस ओके सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर अनदर टर्म इज ऑफ अ डिवाइस तो so इफिशियंसी को हम जनरली इस तरह के सिंबल ईटा से लिखते हैं इसको पढ़ेंगे ईटा और ईटा इज इक्वल टू दिस इज डिफाइंड एज सिंपल इसकी डेफिनेशन है इट्स इज आउटपुट पावर जनरली हम अगर बहुत ब्रॉडर सेंस में डिफाइन करेंगे तो आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट डिवाइड करते डिफाइन करते हैं सो आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट आउटपुट के साथ क्या हो सकता है पावर हो सकता है वर्क हो सकता है तो जिसकी इफिशियंसी निकालनी हो जनरली हम पावर के टर्म में करते हैं तो आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर सो दैट इज़ हाउ द इफिशियंसी इज़ बी डिफाइंड अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू हंड्रेड कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा अगर हंड्रेड नहीं करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा जनरली क्या होता है इनपुट पावर ज़्यादा होती है और आउटपुट पावर कम होती है आइडिया कैसे देते हैं आइडिया इस तरह से समझ सकते हैं कि गलेट से अपने पास एक मशीन है कोई भी मशीन है जैसे मोटर है या फिर कोई और भी चीज़ है और इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं तो अगर मोटर है या मशीन है तो पहले आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है पावर देनी पड़ती है पावर इनपुट देना पड़ता है जैसे कि उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे अगर मोटर आपने लगा रखा है वाटर को पंप अप करने के लिए तो अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो वाटर को पंप अप नहीं करेगा सो दैट इज़ इनपुट सो इलेक्ट्रिसिटी जो आप दे रहे हो दैट इज इनपुट सो व्हाट दैट डिवाइस इज टेकिंग इज़ इनपुट व्हाट दैट डिवाइस इज डिलीवरिंग इज आउटपुट तो जब वो मोटर चलता है तो वाटर को ऊपर पंप करता है तो उसके लिए वो वर्क कर रहा होता है और पावर डिलीवर कर रहा होता है तो वो पावर आउटपुट हो जाता है राइट सो इफिशियसी कैसे डिफाइन हो जाएगी इफिशियंसी इज पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट जाहिर सी बात है कि जो आपको पावर आउटपुट मिलेगा ये कॉमन सेंस है टोटली totally. Uh, uh, जो जो पावर आउटपुट मिलेगा वो कम मिलेगा और जो पावर इनपुट होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि जो आपने एनर्जी दी है पावर दी है कुछ पोर्शन इसको चलाने में लगता है रोटेशंस में फ्रिक्शंस में और मूवमेंट में क्योंकि बॉडी केन्सेट में कुछ ना कुछ मूव कर रहा होगा सो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी सो आउटपुट इज गोइंग टू बी लेस देन दिस इनपुट सो दैट्स वाई द इफिशेंसी इज गोइंग टू बी लेस देन वन इन एब्सोलूट टर्म और इफिशियंसी इज लेस देन हंड्रेड राइट इक्वालिटी विल बी इन वेरी रेयर केस कि जितना आपने दिया है उतना ही आपको मिल जाए और मशीन ने कोई भी एनर्जी का कंजम्पशन ना किया हो ऐसा बहुत कम होता है सो so, जब कभी आपको इफिशियंसी कैलकुलेट करनी होगी आउटपुट पावर कैलकुलेट करोगे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आउटपुट क्या आ रहा है दैट मींस बट वी आर गेटिंग आउट ऑफ दैट मशीन देन फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें इनपुट क्या लग रहे हैं फिर दोनों का वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा बिकॉज वी आर डिवाइडिंग द सेम नंबर सेम यूनिट सेम क्वांटिटी बाय सेम क्वांटिटी सो ये यूनिट लेस रहता है जनरली हम फ्रैक्शन में या फिर परसेंटेज में उसको इंडिकेट करते हैं और इसकी वैल्यू नॉर्मली वन या उससे छोटी होती है नॉर्मली बट दैट्स नॉट अ रूल कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जब इफिशेंसी आपको मोर देन हंड्रेड परसेंट मिले तो जमता है आप कैलकुलेट करेंगे और ऐसा भी फीसबिल हो सकता है ठीक है सो इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं देन दिस विल बी ओवर सो इज द एग्जाम्पल इट्स इज एन इलेक्ट्रिक मोटर कंज्यूम्स टू हंड्रेड वैट पार And pumps water from a depth of five meter. Efficiency of motor is given to us. We need to find the mass flow rate of water. So, what is given? hai first pehle power input given. The consumption hai wo that is input power. Okay, 200 watt. Efficiency is given as 80%, 80%, 80 percent. 80 percent. 80 percent could be written as 80 divided by 100. That is 0 0.8. और एच आपको गिवन है फाइव मीटर जी को आप टेन ले सकते हो तो so, आपको निकालना क्या है डी एम बाई ई टी सो डी एम बाई टी इज़ द मास फ्लो रेट दैट यू नीड टू फाइंड अब आपने जो पढ़ा उसको कनेक्ट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए आपको आंसर आ जाना चाहिए मैं अगर यहाँ पर सॉल्व करूँगा तो पहले इफिशियसी से स्टार्ट करेंगे इफिशियंसी इज इक्वल टू पावर इनपुट हम लोग लिखते हैं पावर आउटपुट सॉरी पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट दिस इज गोइंग टू बी एफिशिय सो आउटपुट पावर पता करते हैं आउटपुट पावर की जो वैल्यू आएगी वो इफिशियंसी टाइम्स पी इन आ जाएगा एफिशियंसी है ज़ीरो पॉइंट एट और इनपुट पावर आपको टू हंड्रेड दिया जा रहा है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो ये बन जाएगा हाउ मच वन सिक्सटी वन सिक्सटी वाइट वन सिक्सटी वाइट इज द पावर दैट इज बींग डिलीवर्ड बाई द मोटर और मोटर का जो आउटपुट पावर आएगा वो क्या आएगा वो आपको लिखेंगे डी एम बाई डी टी इंटू जी इंटू एच इसके साथ इसको रिलेट कर लेंगे सो so ये बनेगा वन सिक्सटी इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी आपको पता करना है और जी आपको टेन दिया गया है एच भी आपको फाइव दिया गया है पता है वहाँ से आप अपना आंसर निकाल सकते हो सो वॉट द डी एम बाई डी टी इज़ विल बी इक्वल टू डी एम बाई डी टी इज अ मास फ्लो रेट इसकी जो वैल्यू आ जाएगी एक टेन कैंसिल होगा सिक्सटीन बाई फाइव हो जाएगा इसको आप डिवाइड कर सकते हो सो so, थ्री uh, फिफ्टीन हो जाएगा पॉइंट टू के जी पर सेकेंड इसका मतलब है ये जो मोटर आपने यूज़ की है जिसकी एट्टी परसेंट इफिशियंसी है जो टू हंड्रेड वैट का पावर कंज्यूम कंज्यूम करती है फाइव मीटर डेप से वाटर को लिफ्ट करती है तो वो कितना वाटर डिलीवर कर रही होगी आपको थ्री पॉइंट टू के जी पर सेकेंड आप चाहो तो इसको फिर लीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्यूम को यूज़ करके सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ओके सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो यू हैव लर्न अबाउट द पावर and related concepts like efficiency with this uh, we, we cover all the theoretical part of work energy and power okay so you need to do practice you need to solve the questions from the assignment and from the book then we will discuss those questions okay thank you everyone have a great time